हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस बाची। आज हम मिल मेकर की करी बनाएंगे। इसके लिए हमने 50 ग्राम से मिल मेकर ले लिया है। 200 ml दही ले ले, कोथमीर ले ले, एक छोटी प्याज को चॉप कर ले, तीन टमाटर ले लें पीसेस में कट कर लें, साबुत गरम मसाला ले लें, इसमें तेज पत्ता है, शाहजीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी का चकला है। काजू ले लें 50 ग्राम, 1 टेबल स्पून जीरा ले लें, 1 टेबल स्पून धनिया ले लें, लाल मिर्च का पाउडर ले लें, 1 टेबल स्पून टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें, हल्दी 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम एक बाउल में पानी गर्म कर लेंगे और उसमें ये मिल मेकर डालकर 10 मिनट तक उबालेंगे। देखिए ये मिल मेकर अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। अब हम इन्हें एक ठंडे पानी के बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम ये जो सोया चंक से मिल मेकर, इसमें से पानी अच्छी तरीके से निचड़ देंगे और दूसरे बाउल में डाल देंगे। देखिए इन मिल मेकर में हम दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड कर दें। इसी में हम मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इस मैरिनेटेड मिल मेकर को 10 मिनट्स बाजू में रख देंगे। अब हम जो जीरा धनिया हमने लिया था उसे भून लेंगे। एक 2 मिनट तक जीरा धनिया को भूने, इसको ऑफ कर दें, प्लेट में निकाल लें। हमें जीरा धनिया का पाउडर बनाना है। देखिए जीरा और धनिया का पाउडर रेडी है और अब हम काजू का पेस्ट बना लेंगे। काजू में थोड़ा सा पानी ऐड करें, इसका पेस्ट बना लें। देखिए काजू का भी पेस्ट बनके रेडी है। इसी जार में हम ये जो टमाटर कट करके रखे थे हमने, उसका भी पेस्ट बना लेंगे। देखिए टमाटर प्यूरी भी बनके रेडी है। अब एक कढ़ाई ले लें और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होने दें। अब इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे। जो भी हमने साबुत गरम मसाला लिया था उसका आधा इसमें डाल देंगे, आधा हम बाद में से पाउडर बना के डालेंगे। थोड़ा सा शाहजीरा, इलायची, लौंग, चकला भी डाल दें। और अब हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। अच्छी तरीके से इसे भून लें। प्याज पूरी ट्रांसपेरेंट हो जानी चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए प्याज अच्छी तरीके से भून चुकी है। लो फ्लेम पर रखे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेटेड मिल मेकर और इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भून लें। अब इस ग्रेवी में हम टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटो का पेस्ट ऐड करें, काजू का पेस्ट ऐड कर दें। काजू का पेस्ट ऐड करने से ग्रेवी स्मूथ बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छी तरीके से भून लें और अब हम डालेंगे जीरा धनिया का पाउडर, मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है। इसमें हम डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और उसे मिक्स कर देंगे। देखिए ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। मिल मेकर का सालन बन के रेडी हो चुका है। उसमें हम अब डालेंगे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और स्टोव ऑफ कर दें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बिल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू सो मच।